Hi everyone, namaste and welcome to my channel. Finally, I'm starting a new vlog here. मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं कब डालने वाली हूँ, बट मैं आज नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. अभी मैं मोबाइल से व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मोबाइल से व्लॉग करना ज़्यादा ईजी रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू कैमरे से. कैमरे को जब तक मैं सेटअप करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, फाइल ट्रांसफ़र करूँगी, उसमें तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा. तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग तो स्टार्ट करती हूँ. अभी मैं ऊपर आई हुई थी, आज मैंने वीडियो शूट किया है. शूट करती हूँ मैं ऊपर आ जाती हूँ आराम से. ऊपर क्या होता है, एक तो शोर वोर नहीं आता, ये रूम पूरा ग्लास पैक्ड है तो मुझे ऐसा लगता है नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा खासा हो जाता है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है. और इसको मैं यहीं ले आती हूँ, यहीं फीड कराती जाती हूँ, सुला देती हूँ, फीड करा देती हूँ, सुला देती हूँ, तो मेरा आराम से 2-3 घंटे का वीडियो बन जाता है. बहुत टाइम बाद आई थिंक मैं पता नहीं कितने दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ. मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है व्लॉग करने में और बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा है. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊंगी और मैं क्या बोलूँ, बट ठीक है, नेवर माइंड. जो भी चल रहा है बिल्कुल एकदम रॉ व्लॉग प्रेजेंट करूंगी मैं. ऑल्सो मैं ना अभी कल ना अर्बन क्लैब वालों से अपना एक बालों का ट्रीटमेंट बुक करवाया था, बोटॉक्स का. वो इसलिए बुक कराया था, 1 साल 8 महीने से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया अपने बालों में और मुझे ज़रूरत इसलिए है ट्रीटमेंट कराने की क्योंकि मेरे ना वैसे तो अगर आप मैं अपने बाल खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट. माय हेयर, दिस इज माय हेयर, दीज आर द रॉ हेयर. मतलब बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेरे बालों में. नॉर्मल जो हेयर पैक लगाते हैं और शैम्पू लगाते हैं ये उसके बाद के बाल हैं, जबकि मैंने वॉश भी परसों किए थे और कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करी. दीज आर माई नेचुरल हेयर. आगे से अगर आप देखोगे ये थोड़े वेव आते हैं, दैट्स इट. एकदम पोकर स्ट्रेट नहीं है बट हल्के से ऐसे वेव है, हल्का सा आगे से. बाकी पीछे वगैरह आप देखोगे तो पूरे मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं. मतलब मुझे कोई ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है स्ट्रेटनिंग वगैरह की. बट जो मेरा बैक साइड ऑफ हेयर है पीछे के साइड, मेरे बालों में इतनी गठाने लग जाती हैं, इतनी एक्सट्रीम गठाने लगती हैं कि इसी के चक्कर स्मूदनिंग कराना स्टार्ट किया था. तो स्मूद स्ट्रेट हो जाते हैं तो क्या गठान नहीं लगती है. तो मेरे बालों में इतनी गठान लगती है कि जिसकी वजह से मेरे बाल, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो उतनी उतनी गठान काटनी पड़ जाती है. इस लेवल की गठान लगती है, भले मैं डेली कॉम करूँ चाहे कुछ भी करूँ. सो उसके चक्कर में मेरे को कराना रहता है. तो अभी मैंने कल के लिए बुक किया था पर मैंने खुद से कैंसिल कर दिया. मेरे यहाँ शादी है जनवरी में मेरे कजिन की. मैंने बोला ना दो लोगों की शादी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक तो टीनू और दूसरे सागर. तो सागर की शादी के लिए थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि मैं ना मन जहाँ अपने पसंद का ड्रेस शायद ना कैरी कर पाऊँ बिकॉज ये मेरे साथ है. तो मुझे थोड़ा सा फीडिंग फ्रेंडली ड्रेस देखना पड़ेगा क्योंकि तब तक ये इतनी बड़ी नहीं होगी, 4 मंथ की होगी. अगर ये 6 मंथ के ऊपर हो जाती ना तो कोई टेंशन नहीं होती, बॉटल फीड करा देते या थोड़ा बहुत खाना पीना चालू हो जाता है. बट अभी क्या है कि ये पूरे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो उतनी रिलैक्स नहीं रह पाऊंगी जितनी रिलैक्स मैं टीनू की शादी में थी और चिल कर रही थी. देखते हैं, ड्रेस में भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे लहंगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, साड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. विक्की तो बोल रहा है सिंपल एक सूट ले लो, बट यार मेरे भाई की शादी है, वो भी सूट. मतलब सागर ने मेरी शादी में एक एक चीज, पूरा जो भाई का धर्म कर्तव्य होता है वो सब उसी ने किया था. जो उसकी शादी के लिए बहुत वो है, मतलब बहुत हाई होप्स थी, बट ठीक है अभी देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे. बाद ही फिर मैं मुंबई आऊंगी. ये चल रहा है, आप लोग बताइए सब लोग कैसे हैं, क्या हैं. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे विशेज आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली मैसेजेस आ रहे हैं ब्लॉग करिए ब्लॉग करिए ब्लॉग करिए. तो यस, आई एम गेटिंग बैक टू द व्लॉगिंग एज वेल. ओके गाइस, सो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा रूटीन मॉर्निंग वाला जो हमारे बेबी बू का हम लोग फॉलो करते हैं. तो अभी सुबह सुबह मालिश होती है, आंटी आती है मालिश करती है, उसको शार दिलाती है, मतलब नहला के पूरा तैयार करके रेडी करा के जाती है, उसके बाद फिर वो नैप लेती है. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है मामर्थ मॉइस्चराइजिंग बेथिंग बार फॉर बेबीज़ एंड साथ ही साथ मामर्थ रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो बहुत ही जेंटल प्रोडक्ट है ये. तो यहाँ पर जो बेथिंग बार है उसमें क्या क्या मिला हुआ है आइए देख लेते हैं. इसमें गोट मिल्क, ओट मिल्क, शिया बटर और कोकोनट बेस्ड क्लेंजर है ये, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, जेंटली क्लेंज करता है. इसका जो फॉर्मूला है वो टीयर फ्री फॉर्मूला है, बच्चों की आँखों में जलन नहीं होती है. साथ ही साथ पीएच बैलेंस जो है वो 5.5 का है, मॉइस्चर को रिटेन करता है स्किन पे. शार लेने से पहले उसकी मालिश होती है तो ये मालिश वाली आंटी उसकी मालिश कर रही हैं. वैसे तो ये मैडम बहुत रोती है, मतलब मालिश में लिटरली बहुत रोती है, बट अभी इसको पता है कि वो रिकॉर्ड हो रही है तो शी इज़ अ वेरी कैमरा कॉन्शियस बेबी. मतलब वो कहते हैं ना मदर जो करती है वो बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. सो क्योंकि कैमरा ऑन है और उसकी पूरी नज़र सिर्फ मेरे कैमरे के ऊपर है, टुक टुक दे वो देख रही है, इसलिए वो रो नहीं रही है, अदरवाइज वो बहुत रोती है. तो यहाँ पर उसकी मसाज हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से मसाज होती है और उसके बाद फिर वो शाल लेने के लिए जाएगी.
तो विक्की ने उसके लिए ये टॉय मंगवाया हुआ है, तो वो ये देखती रहती है तो थोड़ा शांत रहती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चिल्लाती है वो मसाज करने में। और हम लोग अभी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, 8-9 degree टेम्परेचर रहने लगा है भोपाल का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अच्छे से ब्लोअर वगैरह लगा देते हैं और अब टाइम आ गया है उसकी शार लेने का। ये जो सोप है ये सूटेबल है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, बेबीज़ एंड किड्स विद सेंसिटिव स्किन एंड साथ ही साथ बेबीज़ एंड किड्स विद एक्जिमा प्रोन स्किन के लिए भी। तो आप जेंटली पूरा मतलब पूरी बॉडी पे हम लोग बाल वाल सब कुछ इसी से वॉश करवाते हैं, तो ये मामा अर्थ का जो सोप है उससे यूज़ कर रहे हैं। मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी जेंटल है, और इसको कुछ भी लगाने से पहले मैं यूज़ करके देखती हूँ, अपनी आंखों में डाल के देखती हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली अ टीयर फ्री सोप। लेने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे मामा अर्थ का रिच मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर। तो इसके जो की इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड ऑयल और शिया बटर। तो आलमंड ऑयल नरिश करता है स्किन को और सॉफ्ट करता है, शिया बटर डीपली मॉइस्चराइज करता है अप टू 24 आवर्स। तो आपको स्किन पे इसको लगाना होता है, हम पूरी बॉडी पे उसको लगाते हैं, बॉडी पे तो लगाते लगाते हैं साथ में स्किन पे भी लगाते हैं। अभी ये थोड़ी सी क्रैंकी हो गई है बिकॉज उसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे क्यों इतने ठंड में शार दिला दिया है, तो बस उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एकदम ठीक हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स रहेगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट पर, साथ ही साथ आपके नियर बाय स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। और आप जब भी मामाअर्थ की वेबसाइट से मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वेबसाइट ऑन अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये कि आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद मैं टेरेस पे लेकर जाती हूँ, थोड़ा रो रही है, क्रैंकी हो जाती है वो, उसके बाद उसका सोने का रूटीन होता है। थोड़ी देर हम लोग धूप में अच्छे से देखते हैं, यहाँ पर विक्की उसको धूप दिखा रहा है और सुला भी रहा है। ओके एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 2 दिन बाद। अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या क्लोथ्स इसके लिए मंगवाए हैं। सो यूजुअली मैंने आपको जैसे कि बताया था अपने किसी वीडियो में कि हमारे यहाँ जो होता है इनिशियली नए क्लोथ्स नहीं यूज करते हैं, सिर्फ एक दिन का रहता है, मतलब जिस द मोमेंट शी बॉन्ड उसके बाद हम लोग शाम को जाकर के विक्की सब कुछ नया उसके लिए लेकर के आ गया था। फिर उसके बाद बहुत कपड़े उसको गिफ्ट में भी आए जो भी लोग उसको विजिट करने के लिए आ रहे थे। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें से मोस्टली जो भी कपड़े हैं सब गिफ्टेड ही हैं, और उसके बाद टीनू ने गिफ्ट कर दिए थे। मतलब मैं वही बता रही हूँ, काफी सारे लोग उसके लिए कपड़े लेकर के आ गए थे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट अभी मैंने कुछ अच्छे अच्छे कलर्स अपनी पसंद के, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी गर्ल है और इतने प्यारे प्यारे बच्चों की रेंजेस अवेलेबल है, तो मैंने अपनी पसंद की काफी सारी चीजें मंगवाई है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले जो अभी हम यूज कर रहे थे इतने दिनों से, क्या क्या यूज कर रहे थे वो सब मैं फटाफट आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। है फ्रॉम दी ब्रांड पिंक रैबिट, ये 3 का सेट है। स्टार्टिंग में हम लोग उसको रॉम्पर्स नहीं पहना रहे थे, इसी तरीके के 2 पीस पहना रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने बताया ना, हम उसको डायपर यूज नहीं कर रहे थे, हम लोग जो नैपी यूज करते थे वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता था, तो ऊपर के भी कपड़े खराब ना हो जाए, इसलिए हम इस तरीके के कपड़े उसको पहना रहे थे। तो ये 3 का सेट है। एक जो है वो पता नहीं, आई थिंक ऊपर रखा हुआ है, तो ये है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। अब हम इसको एज अ इनर की तरह इसको पहनाते हैं। उसके बाद ये वाले जो क्लोथ्स हैं ये विक्की लेकर के आया था, 3 का सेट लेकर गया था। दिस इज फ्रॉम बेबी ओए, दिस इज बहुत ही क्यूट है। अगेन ये भी 3 का सेट, एक ब्लू कलर है, एक पिंक कलर है। इसको भी हम एज अ बनियान नहीं होता है, इनर होता है, सैंडो होता है, उसकी तरह इसको हम यूज करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा स्वाडलिंग नहीं करी है, जगह मैंने इसका इस तरीके से स्लीप सैक होता है वो लेकर के रखा था, इसके अंदर सुला देती हूँ। ये लेने का एक और रीजन ये था क्योंकि क्या होता है, बच्चे बहुत ऐसा होता है कि पैर हाथ चलाते हैं तो जो ब्लैंकेट हम उड़ाते हैं वो फेंक देते हैं, तो इस चक्कर में मैंने ये अमेजन से मंगवाया था। काफी अच्छे प्राइस में था, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, जिप दिया हुआ है, डबल जिपर साइड में है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। तो 0 to 3-4 months तक के लिए काफी अच्छा है, बट उसके बाद आई थिंक ये थोड़ा छोटा पड़ने लगेगा, तो मैंने एक बड़ा ब्लैंकेट, अब क्योंकि ठंड आ चुकी है और अगेन मैंने बताया ना वही प्रॉब्लम है, वो ब्लैंकेट हटा देती है, तो मैंने एक क्विल्टेड ब्लैंकेट स्लीप सैक स्टाइल में ही मंगवाया। मैंने इस तरीके के इसको 2 क्लोथ्स मंगवाए हैं, एक तो ये है जिसको मैं एज ए नाइट सूट की तरह यूज करती हूँ, रात में उसके जो कपड़े चेंज करती हूँ, मालिश करती हूँ प्रॉपर, जब मैं रूटीन दिखाऊंगी ना तब अच्छे से बता पाऊंगी आपको। तो एक ये है जो हम रात में पहनाते हैं, इसको दिन भर नहीं पहनाते ये वाला, और एक और एक इस तरीके का व्हाइट कलर का है जो हम रात में ही पहनाते हैं, और जो जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला है ना पिंक कलर का जो क्यूट सा ड्रेस पहनी है, ये और 2-3 फ्रॉक्स हैं, ग्रीन कलर का एक ड्रेस है, ये सब उसके मामा ने, मेरा जो कजिन है जिसकी भी शादी है जनवरी में साल है, उसने गिफ्ट किए थे। उसको बहुत शौक है बच्चों के कपड़े वगैरह लेने का। जो कि टीनू का जो फ्रेंड है हिमांशु, उसकी यहाँ भोपाल में बेबी आइलैंड करके एक शॉप है जहाँ से उसने हमको ये काफी प्यारी प्यारी सी चीजें गिफ्ट करी थी। सो एक तो ये है, ये अभी हम समझ में पहनाऊंगी मैं, ये 3 to 6 months वाला है। उसके बाद ये है, ये भी काफी अच्छे मटेरियल का है। तो द नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है फ्रॉम द ब्रांड, ये भी आई थिंक फर्स्ट क्राई से विक्की लेकर के आया था, क्योंकि उसके जितने भी कपड़े थे ना स्टार्टिंग के वो सब यहाँ से या तो निकलते थे या यहाँ से निकल रहे होते थे,
या आगे का नेक बहुत बड़ा हुआ करता था, तो विक्की को बड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसको ऐसे कपड़ों में देखना. तो वो उसके लिए स्पेशली हर कभी निकल जाता था फर्स्ट क्राई और उसके लिए लेकर के आया है. अगेन वो लेकर के आया था बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का रॉम्पर. ये भी अब इनर की तरह मैं यूज करने वाली हूँ. और एक ये है, इसका कलर देखिए, दिस इज सो क्यूट ना. तीनू ने एक पूरा सेट गिफ्ट किया था कपड़ों का, वो भी अगेन ऊपर रखा हुआ है आधा, और एक टी शर्ट उसकी ये रखी हुई है. ये है पूरा एक सेट था ये, जिसमें सॉक्स वॉक्स और बहुत सारी चीजें थी. साथ ही साथ एक ये बाथ टॉल है, जो दो है, एक विक्की लेकर के आ चुका था और एक ये तीनू ने लेकर के आई है उसके लिए. मतलब सबको अपना अपना शौक था, अपने हिसाब से सब अपने अपने लेकर के आए बहुत सारी चीजें. नाउ दिस इज द ब्लैंकेट विच वी आर यूजिंग फॉर हर, यही हम लोग अभी यूज कर रहे हैं. के बाद ये उसका फर्स्ट टॉय है, ये बेबी आइलैंड का ही है टॉय है. इसमें देखिए बेस्ट चीज, ऐसे इसमें म्यूजिकल डॉल है ये, एंड बहुत सॉफ्ट है. मतलब दिस इज द काइंड ऑफ अ डॉल जिसका फर्स्ट टॉय, जिसको मैं हमेशा रखने वाली हूँ. बहुत क्यूट भी है ये, तो जब तक बड़ी हो जाएगी तब तक इसको हम संभाल के रखेंगे. ये वैसा वाला टॉय है. अमेजन से कुछ मसलिन के मैंने क्लोथ मंगवा करके रखे थे, ये देखिए इस तरीके के क्लोथ्स हैं ये. तो इनको मैं अभी तक ज्यादा यूज में तो नहीं आए हैं, दो एक ही यूज में आया है, बाकी दो तो एज इट इज रखे हुए हैं. नाउ दिस इज द बेबी कैरियर, ये है. एक तो विक्की ने हर चीज पिंक कलर की लेकर, मतलब स्टार्टिंग में इतना पिंक आया है ना लड़की के नाम पे कि लिटरली एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बोर हो गई थी कि यार बस अब पिंक कलर नहीं लेना है, मुझे पिंक देख देख के चिढ़ होने लग गई है. इतना पिंक कलर, हर चीज उसकी पिंक कलर की आई है, मतलब और कोइंसिडेंटली आई है. सब कोई जो लेके आया वो पिंक कलर ही लेकर के आया है. ये देखिए, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग. तो एक तो ये है और एक मॉस्किटो नेट वाला जो बड़ा सा बेड होता है उसमें मॉस्किटो नेट ऐसे लग जाती है, मैं पिक्चर डाल दूंगी, वो ऊपर रखा हुआ है. तो इसमें अभी हम इसको सुलाते हैं, इस पे ये सोती है और हम लोग उसको कोस्लीप करवाते हैं बेड पे. तो हमारे यहाँ जितने भी बेड है सबके ऊपर नीचे, इवन मुंबई में सब किंग साइज बेड है और सब 76x76 के ऊपर के साइज के हैं. तो तीन अडल्ट बहुत आराम से सो सकते हैं उस बेड पे, तो बच्चे को तो हम आराम से सुला ही सकते. वो बीच में सोती है बकायदा, विक्की भी उसका उतना ही ध्यान रखता है, मैं भी उसका उतना ध्यान रखती हूँ. दिस इज द क्विल्टेड वाला बेबी सैक है ये, इतनी अमेजिंग क्वालिटी है. ये 6 to 9 month वाला है, मतलब ये काफी बड़ा है, तो ये बड़ी भी हो जाएगी ना तब तक चलेगा. तो इसको स्पेस मिलता है पैर चलाने का बहुत अच्छे से. उसके बाद यहाँ पर पूरा देखिए जिपर दिया हुआ है. मुझे इसकी एक तो क्वालिटी अमेजिंग लगी बनाने के लिए, यहाँ से ये ऐसे ओपन होता है तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं. फिर इसका जो स्लीव था ना वो काफी बड़ा था क्योंकि ये 6 to 9 month वाला है, तो हमने क्या किया यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इतने में इसको बंद कर दिया है क्योंकि उसका जो स्लीव है वो इतना बड़ा है कि उसके कमर तक आ जाता है, तो वहां से हवा ना जाए तो फिर मतलब क्या रह जाएगा. तो अभी हमने उसमें कच्ची सिलाई लगा दी है, ऊपर से ही लगा दी, बस ऐसे ही टिच कर दिया मैंने उसको, ताकि जो उसका हाथ है वो भी मूव हो पाए और ये हाथ से पैक हो जाए. तो उसके सिर्फ हाथ बाहर रहते हैं और बाकी वो अच्छी तरीके से उसमें पैक हो जाती है. तो रात में इनकेस आप अच्छे से इनर वगैरह उसको पहना दो, क्योंकि अब मौसम बहुत, यहाँ के भोपाल में तो काफी ठंडा हो गया, मतलब ठंड आ गई एक्चुअली. ये उसका एक झूला है जो कि अगेन मेरा कजिन है सागर, वो आया था तो उसने गिफ्ट किया है. इसके बाद मैंने ये कैडी मंगवा करके रखा था, दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड अमेज़न. इस कैडी में इसका सारा सामान रहता है, डायपर्स, उसके कुछ कपड़े, सॉक्स, कैप्स, मिटन्स, ये सारी चीजें, हैंकी जो उससे पोछने के लिए, मतलब इसमें डेली चेंज कर देते हैं हम लोग. उसके बाद जब वो पॉटी वगैरह कर लेती है तो उसके अंडर पैड शीट रखी हुई है, कॉटन रखा हुआ है, राई का पिलो रखा हुआ है, तो ऐसे बेसिक बेसिक चीजें इसमें रहती हैं. तो हम लोग जब इसको मूव करते हैं, जैसे मैं ऊपर रहती आधे टाइम नीचे रहती है, तो उसको नीचे ऊपर करने में काफी ईजी हो जाता है. जो हैंडी वाली चीजें होती है वो सब उसके साथ रहती है और इसके साथ ही हम उसको ऊपर नीचे करते हैं, मतलब कि उसका बैग उसके साथ हमेशा रहता है. जो कलेक्शन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये सब कुछ मेरा फर्स्ट क्राई से मैंने मंगवाए हैं और सारे जो मोस्टली ब्रांड्स हैं वो बेबी हग हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट से, क्योंकि अभी ठंडी आ गई है तो उसके लिए मैंने ये एक तो मंगवाया है वार्मर. ये मेरे पास सब कल शाम को आए हैं, अभी आज और कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो जब आ जाएंगे तब इकट्ठे ये सारे क्लोथ्स वॉश होंगे और वॉश होने के बाद ही हम यूज करते हैं, हम इवन ट्राई भी नहीं कराते उसको. तो दिस इज द वार्मर जो मैंने ऑर्डर किया है, अगेन क्योंकि अभी ठंड आ गई है, टेम्परेचर समटाइम्स 3-4 पे भी चला जाता है. तो एक तो ये इसका बॉटम है और इसका जो अपर है वो आज पहनी हुई है, पिंक रैबिट का है और ये एज ए नाइट सूट की तरह हम यूज करने वाले हैं इसको. दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, कलर पास से दिखाती हूँ. ये देखिए बहुत ही क्यूट सा कैप है, ये हाथ का मिटन्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी क्यूट. के बाद ये एक मंगवाया है इसका सर पे पहनने के लिए, जो भाई इलास्टिक वाले होते हैं वो तो वो चार बार ऐसे ऐसे करती है और वो अपना निकाल के फेंक देती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो बांधने वाले, फिर भी बच्चा है तो उसको बांधना पड़ता है अभी क्योंकि ठंड है. तो ये हम लोगों ने लिया है, काफी प्यारा सा है, ऑरेंज कलर का है ये, रहे इट्स वेरी क्यूट. तो
उसके बाद ये कुछ रॉम्पस मंगवाए घर में पहनने के लिए, बहुत ही प्यारा सा लड्डू पीला कलर है। मैंने सारे कलर्स मंगवाए एक एक एक, ये ग्रीन कलर है और उसमें बहुत ही ऐसे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे शेर बने हुए हैं। उसके बाद एक ये है, इसमें यहाँ पर इतनी प्यारी फ्रिल लगी हुई है, बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी मैंने घर में पहनने के लिए मंगवाया है, पास से दिखाती हूँ उसको भी। ये देखिए इतनी प्यारी इसमें कॉलर बनी हुई है, एंड लुक एट दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है ये कार्टर ब्रांड का है। कलर ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, पसंद है ब्राइट कलर्स होना चाहिए लाइफ में ताकि स्पार्क रहे। सो आई वांट और बेबी के तो इतने सुंदर सुंदर कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, एंड ये सब कलर ना ऐसे भड़कते तड़कते नहीं है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जब तक वो समझती नहीं है तब तक तो मैं अपनी चॉइस के कपड़े पहनाऊंगी। उसके बाद ये है, बहुत ही प्यारा सा रोम्पर सेट है। ये देखिए इसमें पीछे कैप है, मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये मैं उसको ना हल्दी के लिए रखूंगी पहनने के लिए, मतलब हल्दी में पहनेगी वो मेरे कजिन की। इतनी अच्छी फ्रिल्स दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर फ्रिल दी हुई है सामने, बहुत प्यारा है। पीछे भी देखिए डिटेलिंग बहुत सुंदर है इसकी, और ये इसका कैप है, ये भी बहुत प्यारी है। लुक एट दिस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ये इसका एक और रोम्पर है। अभी इसके साथ के मैंने शूज, मतलब बूट्स स्टाइल में जो शूज होते हैं ना वूलन के, वो ऑर्डर करे हैं अलग अलग कलर्स में। वो भी अभी आए नहीं है, वो जब आएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये ड्रेस ऑर्डर किया है, ये भी बहुत प्यारा है। लुक एट दिस, दिस वाज वेरी वेरी प्रिटी। इसके साथ का पूरा कैप, मिटन्स और वो आने वाले हैं। वही मैंने बताया ना, आधा सामान आ चुका है, आधा सामान आएगा। एक कैप भी आया है, ये है टर्बन स्टाइल में। तो इसमें क्या होता है ना, उसके कान भी ढाक, कान भी कवर हो जाते हैं, हेयरबैंड का जो यहाँ प्रेशर आता है वो भी नहीं आता है। और यहाँ पर इतनी प्यारी सी ऐसे देखिए बो लगी हुई है, आर्ट्स हैं वो आज शाम तक आ जाते हैं जल्दी। तो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी कि मैंने और क्या क्या मंगवाया हुआ है। ओके, जो कुछ प्रोडक्ट्स बच गए वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो एक ये ऑरेंज एंड वाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा रोम्पर है, बड़ा ही प्यारा है। उसके बाद एक ये फुल, क्योंकि ठंडी आ चुकी है तो उस तरीके का मैंने एक फुल रोम्पर मंगवाया है, वूलन वाला है ये। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके हाथ पैर सब कुछ कवर हो जाएंगे। तो ये मेरे कज़न की शादी रहेगी ना, तब एकदम पीक ठंड रहेगी, तब मैं इसको सोच रही हूँ शादी वाले दिन पहनाऊंगी। एक ये इस तरीके का हमने बेबी हक से लिया था, पिंक कलर का, जो अभी ये पहनी हुई है उसी टाइप का ये है। फिर एक ये पूरा रोम्पर है, वूलन वाला है, मतलब निटेड मटेरियल में है, तो ये भी इसको हम घर पे पहनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हर साल प्लानर रिव्यू करती हूँ। इस बार जो प्लानर है वो मैंने परचेज नहीं किया है, मुझे रिसीव हुआ है फ्रॉम द ब्रांड द मेसी कॉर्नर। आई एम सो थैंकफुल, राइज एंड थ्राइव करके इनका पूरा प्लानर किट मेरे पास आया है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट एज वेल। एंड हाँ, मुझे याद है, मुझे मैं न्यू ईयर से पहले कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन और विजन बोर्ड का के लिए जो वीडियो बनाना है वो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगी, ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो जाए जैसे मुझे इस पूरे साल हेल्प हुई है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। सो दिस इज़ द बॉक्स जो मुझे रिसीव हुआ है। इसमें एक तो ये आई थिंक ये कार्ड होल्डर है, जो मेरे पास सिर्फ दो डेबिट कार्ड होते हैं और कुछ नहीं रखती हूँ मैं, बिजनेस कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। सो दिस इज़ द कार्ड होल्डर, इसको मैं किसी और तरीके से यूज़ करूँगी। वो ये है, पेन होल्डर है, इसको भी मैं पेन पाउच की तरह यूज़ ना करके कुछ और तरीके से यूज़ करूँगी। आई रियली लाइक दिस वन एज वेल। उसके बाद एक ये छोटा सा मेरे पास मिनी नोट पैड, नोट डायरी आया है। ये लास्ट ईयर जब मैंने प्लानर परचेस किया था तब भी मुझे आया था, जिसको मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन बुक बनाई थी। तो इस साल ये वाली छोटी सी मेरी मैनिफेस्टेशन बुक रहने वाली है। नाउ दिस इज द प्लानर। सबसे बेस्ट चीज़ इस प्लानर की ये है कि काफ़ी कलरफुल सा प्लानर है। सबसे बेस्ट चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें मेरा नाम दिया हुआ है। आपको अगर ये प्लानर परचेस करना है, लिंक तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर लीजिएगा। सो ओके, कमिंग टू द प्लान, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारे इन्होंने स्टिकर नोट्स दिए हुए हैं। सेलिब्रेशंस कौन कौन से हैं वो उन्होंने पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं। जब मैं इसको फिल करूंगी ना, तो मैं डेफिनेटली ये तो यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, एंड अदरवाइज मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैं किस तरीके से फिल करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो पेज आता है यहाँ पर, मंथली ओवरव्यूज, क्या ओवरव्यूज हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, एफर्मेशंस हैं, कौन सी हैबिट्स अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं। देन यहाँ पर थिंग्स आई लर्न, बर्थडेज, मतलब इट्स अ वेरी थॉटफुल वन सेट। यहाँ पर डेज में आप अपने वो लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट, एंड आपने क्या किया जो नॉर्मल प्लानर में आप फिल करते हैं। इसमें एक है काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स और काइंडनेस टूवर्ड्स माई सेल्फ, फिर स्मॉल विन्स और बिग विन्स भी आपको लिखना है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक सा प्लानर है, बहुत तामझाम नहीं है इसके अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी होती है ना तो भी आप कन्फ्यूज जाते हो और फिल नहीं कर पाते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो प्लानर में बहुत लिमिटेड बेसिक और नीडफुल चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थॉटफुल प्लानर है, काफ़ी अच्छा। सो अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।